एपीएससी कंट्रोल एएमएच क्यूसी, एएमएच का क्यूसी रूस का, ठीक है। तो इसमें कितना कंट्रोल जाता है, पीसी एएमएच लेवल वन का 2x2.0 mm, मतलब वन वाला क्यूसी दो बार रहता है 2 mm का, और पीसी एएमएच टू का भी सेम ही है 2x2.0 mm, मतलब वो भी दो बार है। तो हम लोग ओपन कर चुका है उसका पहले यूएसबी वायर, ये पीसी कंट्रोल एएमएच शीट, ये लॉक शीट है, ये साइड में रखता हूँ, ये देखो बॉक्स, ठीक है, ये है कंट्रोल, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेवल टू, लेवल टू दो लेवल दो है, और लेवल वन का एक है, और पहले एक यूज कर लिया। और ये जो है, मतलब ये क्या है, ये जब हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे उसके बाद क्या है, इसमें डाल के ऑटो चला पाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं मैनुअली बनाना पड़ता है सिस्टम में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर देंगे तो ये ऑटो ले लेगा, समझ गया ना भाई, प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं है। स्कैन है, बारकोड है, इसमें बारकोड स्कैन कर लेते हैं स्कैनर से। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले एएमएच वन बनाया था, तो अभी भी एएमएच वन ही बनाएंगे, ये खत्म होगा तो फिर एएमएच टू बनाएंगे, ठीक है। ये जो ऑटो लेते हैं ना, वो मतलब क्या, वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं हम लोग? वॉश तो नहीं होगा, ये वन टाइम यूज है। अच्छा। मतलब एक बार कंट्रोल इसमें डाल दिया तो ये कंट्रोल एक ही बार चला पाओगे। अच्छा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 mm है, 2 mm से बहुत सारा क्यूसी चला सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। इसमें डालने से क्या होगा, पूरा कंट्रोल मतलब खराब हो जाएगा, वो एक ही वन टाइम ही चलाना पड़ेगा, वन या टू डे थ्री डे चला सकते हो, कुछ इशू नहीं है, कंट्रोल अगर सही है तो ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये बनाने के बाद ये लिकट करके रख देंगे, क्योंकि सबसे अच्छा तालिका एलिगेट ही है। एलिगेट करने से कंट्रोल का मतलब कंट्रोल का बेलो भी ठीक रहेगा, उसका टेम्परेचर जो भी है सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एलिगेट ही बनाएंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये रख देंगे, ये यूज करने का जरूरत नहीं है। और जो है कंट्रोल का शीट है, ये मेरा पहला एक है सेम लॉट का, ये मतलब ये वाला ये शीट है, इसमें देखो इसमें लॉट नंबर है, हमारा जो लॉट है, ये जो देखो इधर, ये जो लॉट है कहाँ गया, हाँ ये लॉट है, मास्टर लॉट आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वन बनाएंगे पी सी एम एच वन, उसका लॉट देखो 6706701599, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे है 6701501, और 99 यही अलग से है, जनरेशन अलग से है, तो इसका पहले जो नंबर है तो सब मिला हुआ है, मिलता है। तो इसका देखो नॉर्मल यूज किया है, हम लोग क्या करते हैं NG/ml, हम लोग NG/ml है, इसमें दो यूनिट होते हैं PMol/ml और NG/ml, हम लोग NG/ml करते हैं। इसमें लेवल वन का है, मीन है 1.11, और जो रेंज है 0.88 to 1.34, मतलब इसके अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक है 0.108 1 HDL, तो हम लोग 1 HDL नहीं यूज़ करते, जो भी है इसके अंदर होने से कौन पास है, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं। तो अभी मैं उसको बनाऊंगा, ठीक है। इसको बनाने का तालिका क्या है, इसमें देखो इधर 2.0 mL है, 2.0 mL का मतलब इंजेक्शन वाटर, हम लोग इंजेक्शन वाटर यूज करते हैं, तो 2.0 mL मैं इसमें डाल दूंगा इंजेक्शन वाटर। तो मेरे पास अभी ये 1 mL का पीपीट है, फिक्स्ड पीपीट है, तो 1 mL का है जो, तो मैं दो टाइम डाल दूंगा इसमें 1 mL 1 mL करके, तो 2 mL हो जाएगा। ये इंजेक्शन वाटर में सेपरेट करके रखा पहले से,
2 ml डाल दिया। अभी मैं क्या करूँ, उसको 15 मिनट रख दूंगा इस तरह, ठीक है 15 मिनट इस तरह रख दूंगा, फिर उल्टा के और 15 मिनट, उसके बाद और 15 मिनट, फिर जाके ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको एलिगेट करके 150 माइक्रो करके एलिगेट करके रख दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ पर रखना है, डीप फ्रीज में रखना पड़ेगा,